मालूम है ना। हाँ बैड मुंडा सब बोले मुझे रैप गुंडा। ये माँ का तू अपना मांडा। अरे भाई 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 क्या भाई। सो है गाइस वेलकम बैक अगेन तुम सभी का एक और नई वीडियो में। अब यार एक बात बताओ कि अगर तुम किसी को कोई बात समझाने की कोशिश कर रहे हो और वो समझना तो छोड़ो समझने की कोशिश भी नहीं कर रहा है तो तुम्हें कैसी फीलिंग आती है? मन ही मन उसे गालियां देते हो ना, उसे घसीटने का मन करता है ना। हाँ तो अगर कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें कि ये वीडियो कोई एंटरटेनमेंट वीडियो नहीं बल्कि हेट वीडियो लग रही है तो फीलिंग्स तो मेरी तुम्हें पता लगी गई होगी और बाकी तुम खुद ही देख लो। समझ रहे हो? खैर जो अभी अपन लोग बात करने वाले हैं एमवे बंटाई के। अब यार अगर तुम एमवे बंटाई का चैनल चेक करोगे तो बहुत तुम्हें एक से बढ़कर एक रैप सॉन्ग मिल जाएंगे और साथ इसीलिए तो यार हम लोग उसे इंडिया का हिप हॉप और रैप किंग भी कहते हैं। बेशक वो अलग बात है कि उसके रैप और सॉन्ग्स के नाम पर आ सके मैं सिर्फ मचाएंगे और बहुत आर्टिस्ट समझ आया है लेकिन फिर भी अब जितना मुझे लगता है यार कि एमवे बंटाई के साथ ज्यादातर ऑडियंस मेरी उम्र की होगी तो शायद मेरी तरह उन्हें भी रफ्तार के साथ कंट्रोवर्सी के बाद ही पता लगा होगा कि एमवे बंटाई के नाम का भी कोई आर्टिस्ट है। तुम्हें पता है सलमान भाई और एमवे बंटाई में कॉमन चीज क्या है? कि इन दोनों के काम से ज्यादा कारनामों के चर्चे हैं। बात तो सही है यार। अगर तुम अपने रनवे पन्ने को छुपाने के लिए सख्त लौंडा बनने का दिखावा ना करते हुए एमवे बंटाई के गाने सुनो ना, मतलब कि लिरिक्स के ऊपर ध्यान देते हुए उसके गाने सुनो ना तो तुम्हें भी समझ आएगा कि पता नहीं क्यों लेकिन साथ एमवे बंटाई को लगता है कि सारे लोग मुंबई की गलियों में पले बड़े हैं। अब ऐसे बता यार कि कुछ लोगों की परवरिश शायद उत्तराखंड के पहाड़ों में भी हुई होगी। नहीं हर गाने में लिरिक्स के नाम पर इसकी वो अटले पटले मुंबई की लोकल लैंग्वेज चलती है। अबे भाई जब तुझे यही लिरिक्स लिखने हैं तो फिर उसे यूट्यूब पर अपलोड करने की क्या जरूरत है? मुंबई के किसी एफएम रेडियो पर रिलीज कर दिया करना। ठीक है। मेरे भी कुछ दोस्त हैं जो कि एमवे बंटाई के बहुत बड़े फैन हैं लेकिन जैसी हरकतें वो इसके गाने सुनते हुए या फिर खुद गाते हुए करते हैं ना वो देखकर लगता है कि साथ उनके मन में भी यही चल रहा होगा कि भाई समझ तो कुछ नहीं आया लेकिन सुनने में अच्छा लगा। समझ में आ रहा है? तो यार आजकल ना मैं पुलिस की भर्ती की तैयारी कर रहा हूँ तो इसलिए मैंने अपनी जीके बढ़ाने के लिए प्ले स्टोर से एक क्विज का ऐप डाउनलोड किया। उस ऐप में होता क्या ना कि मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन आते हैं और उस ऐप का फायदा ये है कि उसमें तुम अपनी मर्जी से तुक्के लगाते रहो किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। लेकिन उस ऐप की बकचोदी ये यार कि सेम क्वेश्चन हर चार क्वेश्चन के बाद रिपीट हो जा रहा है, बस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दे रहे हैं। जैसे पहले पूछ रहे कि पिंक सिटी किस शहर को कहा जाता है और फिर पूछ रहे कि जयपुर शहर को और किस नाम से जाना जाता है। लेकिन यार इन सब क्वालिटीज को देखकर ना पता नहीं मुझे एमए बंडा के गाने क्यों याद आ रहे थे। नहीं नहीं अब मैं ये नहीं बोलना चाह रहा यार कि उसके गानों में लिरिक्स के नाम पर राइमिंग वाले फालतू के तुक्के रहते हैं या फिर सेम लिरिक्स रिपीट होते रहते हैं। मेरा कहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। साले तू खैर तो मजाक हो गया लेकिन साथ तुम लोग जानते होंगे कि एमए बंटाई इंडिया का सबसे बड़ा इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट है जिसके यूट्यूब चैनल पर 17 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। तुम लोगों ने ना इंस्टाग्राम पर कई लड़कियां देखी होंगी जिनके बारे में ऐसे ऐसी चीजें लिखी रहती हैं जैसे कि मलाई और मक्खन से इनके शरीर पर पुताई होती होगी लेकिन असल में यही लड़कियां गर्मियों के मौसम में भी कुर्तियां पहनकर अपने हाथों का रूखापन छुपा रही होती हैं। हाँ तो सेम यही हालत एमए बंटाई के चैनल का भी है, मतलब चैनल पर 17 मिलियन सब्सक्राइबर तो हैं लेकिन व्यूज इतने आते हैं कि पूरे पूरे टेक्निकल गुरुजी के साथ कंपटीशन कर सकते हैं भाई। वाह। लेकिन एमए बंटाई के गानों की एक खासियत यार कि इसके गानों में तुम्हें मेहनत देखने को ही नहीं बल्कि सुनने को भी मिल जाती है। जितनी मेहनत में एमए बंटाई अपने गानों में कहता रहता उतनी मेहनत में तो 100-200 करोड़ का लेंडर पड़ जाता है। सच में यार जितनी मेहनत करने के बाद एमए बंटाई अपने गानों में करता ना उस मेहनत के अगर तुम 20% भी कर लो तुम हरामी से जिम्मेदार बन सकते हो, नल्ले से बिजी हो सकते हो और सिंगल से रिलेशनशिप वाले इंसान बन सकते हो। खैर लेकिन एमए बंटाई के गानों से तुम्हें एक और चीज सीखने को मिल जाएगा यार, वो है एटीट्यूड। मतलब जितना एटीट्यूड तुम्हें एमए बंटाई के गानों में दिखता ना अगर उतना एटीट्यूड तुम्हारे अंदर आ जाए तो तुम्हारे हालात ऐसे हो जाएंगे कि लोग तुम्हारे बर्थडे पर दूसरों का स्टेटस देखने के बाद भी नहीं बल्कि फेसबुक से नोटिफिकेशन मिलने के बाद और वो भी स्टेटस पर लगा के नहीं बल्कि मैसेज में हैप्पी बर्थडे विश करेंगे। क्योंकि उतना एटीट्यूड आने के बाद तुम अपनी औकात से भी बाहर चले जाओगे। एमए बंटाई के अंदर सिर्फ एटीट्यूड ही नहीं बल्कि टैलेंट भी है, इसलिए वो बंदा चाहे कैसा भी हो वो चल रहा है। और ये बात उन लोगों ने थी जो एमए बंटाई के गाने सुनने के बाद फालतू की छपरी गिरी करते हैं। समझ में आ रहा है? खैर तो चलो यार बस इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद तो ये थी कि इस वीडियो में तुम्हें रोस्ट वाली नहीं बल्कि स्टैंड अप कॉमेडी वाली फील आए। खैर अब अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट शेयर सब्सक्राइब जो तुम्हारी इच्छा वो कर सकते हो। तो चलो यार फिर अपन लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय।